तो मैं बारह समझा चुकी हूं, लेकिन तुम वही कर रहे हो। क्यों कर रहे हो बताओ मुझे, चाहते क्या हो तुम? पूछना को चाहता अपना घर। मजाक मत करें भाई मेरे साथ। सुफियान कहाँ है? उसे बुलाइए, मुझे बात करनी है उसे। तुम बैठो, मैं बुला के लाती हूँ। मेरा शक सही निकला ना? तुम शहरोज से उलझ कर आ रहे हो ना? किसी से उलझने के लिए किसी की मिल्कियत को होना बहुत जरूरी है, ताकि पता तो चले जिससे उलझ रहा हूं वो मेरा है भी क्या। तूने क्या रोग लगा लिया इसने अपने आप को? वहां तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब, वो तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो उनपे क्या गुजरेगी बेटा? यार मेनाज को क्या हुआ है? आ रहा है, तुम बैठो ना, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। सुफियान, आज मैं तुम्हारी फूफो की हैसियत से नहीं, एक बेटी की माँ की हैसियत से आई। फितरतन तुम्हारी अच्छाई से मुझे कोई इनकार नहीं है, लेकिन क्या करूं, गलती से तुम्हारी रगों में भी वही खून दौड़ता है जो मेरी रगों में दौड़ता है। और अपने खून को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो मैं बारह समझा चुकी हूं, लेकिन तुम वही कर रहे हो। क्यों कर रहे हो बताओ मुझे, चाहते क्या हो तुम? पूछना को चाहता इसीलिए उसका साथ आपसे मांग रहा हूं। नहीं मिल सकता। लेकिन क्यों? पापा मामा सब तो मान गए, फिर क्या मसला है? लेकिन मैं नहीं मानूंगी, अपनों से बार बार धोखा नहीं खा सकती मैं। मैंने शहरोज और उष्णा का लिखा तय कर दिया है, तुम्हारे लिए भी बेहतर है कि अब तो उष्णा के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप एक बार उष्णा से तो पूछ लें कि उसका क्या फैसला है। उष्णा अपना फैसला सुना दो, ताकि सच्चाई एक ही बार सबके सामने आ जाए। उष्णा, आज तुम सबको बता दो कि तुम शहरों से शादी नहीं करना चाहती, और अपनी मां को यह भी बता दो कि सुफियान को इतनी सारी चोटें तुम्हारी मोहब्बत की वजह से लगी। जैनब के दिल पे तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इसकी हालत देख के तुम्हारा दिल तो पिघला होगा ना। देखो उष्णा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्लीज उष्णा, बता दो इन सबको तुम इस जबरदस्ती के फैसले को नहीं मानते। बोलो उष्णा।
इस शादी के लिए मुझ पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला और मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरी मामा चाहती हैं और मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। सुन लिया तुमने, तसल्ली हो गई सबकी? तुम्हारे लिए बेहतर होगा इसके रास्ते में मत आना, क्योंकि अब ये लावारिस नहीं है। इसको तहफ्फुज़ देने वाला एक मजबूत बाप मौजूद है जो इसकी तरफ बढ़ने वाले हर कदम को रोक सकता है। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।